शाजापुर जिले के काटाफोर में मंगलवार को माली समाज राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड और नगरवासियों ने संयुक्त रूप से सड़क पर प्रदर्शन रैली निकाली, जिसके बाद नायब तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में शाजापुर जिले के ग्राम नारोला में नाबालिग बच्ची के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मामले को लव जिहाद में शामिल कर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करना चाहिए, साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को चलाकर शीघ्र फांसी की सजा देनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर जल्द ही अपराधियों को सजा नहीं मिलती है तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। माली समाज के लोगों के साथ पूरी समाज यहाँ पे इकट्ठी है और निश्चित ये सिर्फ एक माली समाज के लिए गलत चीज नहीं, आज हमारे समाज के लिए भी बड़ी शर्म की बात है। बेटी हमारी थी, उसका इस ढंग से रेप करना और उसकी हत्याकांड करना, ये आज हम इसीलिए सब इकट्ठे हुए हैं कि ऐसे हत्यार घटिया लोगों को सिर्फ और सिर्फ फांसी सजा होनी चाहिए। इन्हें किसी भी स्तर पे कोई माफी नहीं होना चाहिए। इसके लिए चाहे हमको आगे भी अगर कोई हमारी आवाज उठाने के लिए जाना पड़ेगा तो हम वहां भी जाएंगे। ये शाजापुर जिले के सुजालपुर तहसील में नरेला गांव में जो जिहादियों द्वारा बेटी मुस्कान के साथ विभत्स हत्याकांड और रेप हुआ था, उसके विरोध में हम लोगों ने संयुक्त माली समाज फूले ब्रिगेड के द्वारा एवं सभी राजनीतिक दल के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी से हम निवेदन करते हैं कि इस मामले को तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला जाए और जल्द से जल्द इन हत्यारों को, इन दुष्कर्मियों को फांसी की सजा दी जाए। अब देखना है कि प्रदर्शनकारियों के ज्ञापन सौंपने के बाद मामले में उचित कार्रवाई होती है या नहीं। मृदुभाषी के लिए काटाफोर से प्रिंस भाटिया की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।